नमस्कार द जेके पेजिस च तुंदा सबने दा स्वागत है। मैं अनुराधा ते आलोपा च ध्याड़े दे लेखे जोखे उपर पिछले दिन हुई भारी बरखा ते एन पौने कने किसानी दी फसलें दा मता नुकसान हुआ। इस संबंधा च डीसी जम्मू अंशुल गर्ग ने बिशनाला के दे बख-बख जगह दा दौरा करिए जानकारी हासिल की है। का एक ही एक मकसद है कि जो हमारा स्टॉक से एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है ज़िले में, खास करके पैडी के क्रॉप का लॉस हुआ है, उसका एक एक्सटेंसिव डैमेज का जो है जायज़ा लिया जा सके। एग्रीकल्चर और रेवेन्यू टीम ने पहले से ही एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट की है कि ये तकरीबन 90-100% जो है वो डैमेज हुआ है क्रॉप का, उसी का एक जायज़ा लेने के लिए हमारी टीम आज फील्ड पर है। उसी से ही है कि जल्द से जल्द, जैसा एलजी साहब ने कहा है, लोगों को जो है मुआवजा एज़ पर एसडीआरएफ नॉर्म जल्द से जल्द दिया जाए। ये नोटिफाइड नॉर्म्स हैं, एसडीआरएफ हम को कहते हैं, उस नॉर्म्स के तहत जो जो कैटेगरीज फॉल करती हैं और क्रॉप डैमेज की परसेंटेज नोट की जाती है, क्रॉप्स नोटिफाइड हैं, कलैमिटीज नोटिफाइड हैं, उन नोटिफाइड कलैमिटीज़ के अगेंस्ट जिन जिन के भी लॉसेज हैं उनको तुरंत जो है उनको रीइंबर्समेंट की जाती है। क्योंकि ऑनरेबल एलजी साहब ने बहुत क्लियर कट डायरेक्शंस भी दे दिए और उन्होंने बता भी दिया और आई थिंक सब तक ये बात पहुंच चुकी है कि जो सभी को इस बार जो है जो भी डैमेज हुआ है, चाहे वो जम्मू में हो चाहे वो कश्मीर में हो, सबको जो है एज पर नॉर्म्स जो है मुआवजा तुरंत दिया जाएगा। बिशना दे बाद अरनिया इलाके का दौरा करने निकले डीसी जम्मू अंशुल गर्ग जिसलै किसाने कन्ने नहीं मिली पाए तो किसाने अपना रोष जाहिर करिए प्रदर्शन किया। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅੰਨੀਏ ਦੀ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅੰਨੀਏ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਅੰਨੀਏ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅੰਨੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨੀਏ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਤੇਵਾ ਚੰਗੀ ਆ ਪੂਰਾ ਬਾਰਡਰ ਚਲੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਨੀਏ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਅੱਜ ਅਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਜੰਮੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕਨੇ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਨੇ ਖੜੋਈਆ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਰਨੀਏ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਏ, ਸੁਹਾਗ ਕਰਾਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਨੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਡੀਸੀ ਜੰਮੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਆਈਏ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੁਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਇਹ ਦੌਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। पूर्व एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया दी धमकी भरी फोन कॉल थमां परेशान जेएंडके नेशनल पैंथर्स पार्टी दे जिला अध्यक्ष सुरिंदर सिंह चौहान ने उनके खिलाफ जम्मू दे सतवारी थाने च रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ये गल अज उन्हें एक प्रेस वार्ता करिए सांझा कीती। पैंथर्स पार्टी को उधमपुर के जो पूर्व विधायक रहे हैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी छोड़ के चले गए थे पैंथर्स पार्टी को, वो जब से पैंथर्स पार्टी को छोड़ के गए हैं तब से वो बुखला से गए हैं। शायद उनको लग रहा है कि मेरे जाने से पैंथर्स पार्टी जो है वो और मजबूत हुई है, पैंथर्स पार्टी को अच्छा जनाधार मिल रहा है। यहाँ जो लोग किसी पार्टी के साथ दिग्गज नेता नहीं हैं आज वो पैंथर्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बुखला चुके हैं, वो पागल हो चुके हैं। वो आए दिन उधमपुर के अंदर पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। वहीं जब उनको ये भी सुनने में आ रहा है कि उनको पूछा जाता है आय से ज़्यादा संपत्ति के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो और ज़्यादा उग्र रूप धारण कर लेते हैं, पागल हो जाते हैं। एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिदे तहत उन्हें घाटी चोवादी आतंकी घटनाएं का मुद्दा चुकया ते भारत सरकार थमां इस उपर जवाब देने की गल आखी है। मेंढर सूरनकोट सेक्टर में जो आतंकवादी सिचुएशन इस समय बनी हुई है उस संदर्भ में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। मैंने आपको पहले भी ये बताया कि माइनॉरिटीज जिस तरीके से वहाँ पे टेरिफाइड हैं कि क्या उनकी रिलीजियस क्लींजिंग तो नहीं हो जाएगी, कारण ओवरग्राउंड वर्कर्स वहाँ के पकड़े जा रहे हैं, वहाँ का जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का रेडिकलाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, उन लोगों के रोल्स सामने आ रहे हैं, अलग जगह जगह से अरेस्ट हो रही हैं, और भारत सरकार की तरफ से कोई भी सेटिस्फाइंग स्टेटमेंट कि पुंछ सेक्टर में ये एनकाउंटर इतना लंबा क्यों चला है, 17 दिन तक क्यों चला जा रहा है, हैवी कैजुअलिटीज हमारी आर्म फोर्सेज को फेस करनी पड़ रही है, नंबर्स का पता नहीं है, काइंड ऑफ बंकर्स का, काइंड ऑफ हाइडआउट्स का उसका पता नहीं है। तो आज उन सब चीज़ों को टोटैलिटी में मद्देनजर रखते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भारत सरकार से ये सवाल पूछने के लिए की है कि भारत सरकार क्लैरिफाई करे
कि क्या पुंछ में कारगिल जैसी परिस्थिति तो नहीं बन गई है या कारगिल जैसी परिस्थिति इमर्ज तो नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर मुस्तफा खान ने जम्मू का दौरा किया। इदे करने गए उन्हें मीडिया कर्मियों की संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के संबंध में गल की ते गलाया कि वो लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। इदे करने गए उन्हें बेरोजगारी ऊपर भी अपनी चिंता जाहिर की है। जिसका नाम जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट है, इस ये पार्टी सिर्फ कश्मीर बेसिस या जम्मू बेसिस नहीं है, ये जम्मू कश्मीर और सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। आज हमारे यहाँ बीच में आप प्रभात शर्मा जी देख रहे हैं, इनको हम वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का मंतखब कर रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ओहदे यहाँ हमने दिए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट से, आप पीछे देख रहे हैं कितना हुजूम है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम 3 दिन से यहाँ घूम रहे हैं, कुछ चीज़ें हमने देखी, जो इशू हम मैं आपसे एड्रेस करना चाहता हूँ, जो आपके वसात से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो ये हैं। हम दुकानदारों से मिले, जब दुकानदारों ने ये कहा कि हमारा कारोबार ठप हो चुका है, आप देखिए यहाँ कारोबार बिल्कुल, कारोबारी लोग बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के प्रधान श्री डिंपल ने आज स्थानीय लोगों के कने मिलिया, शहर च बदादी गंदगी के चलते जेएमसी ते बाकी संबंधित विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। श्री डिंपल ने गलाया कि शहर च गंदगी होने के कने कने सड़कां ते गलियां नालियां टुटी दियां पेदियां ने, जिस उपर प्रशासन का कोई ध्यान गै नहीं है। करके जम्मू नगर निगम के विरोध में आज प्रदर्शन किया है और इनका ये आरोप है कि ये सबसे गंदा बैकवर्ड और अनडेवलप्ड वार्ड्स है। वार्ड नंबर 16, 17, 18, 35, 36 और सरवाल न्यू प्लॉट, यहाँ पे बहुत ही गंदगी फैली हुई है। अजय डोगरी खबरें चु बस इना गए, दो इजाजत, नमस्कार।